दिस इज अर्थ फ्रॉम रेनिटस। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि SPA क्लियर कैसे करते हैं। तो द मेन क्वेश्चन टुडे दैट वी हैव इज हाउ टू क्लियर SPA। सो SPA इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट कंसिडरिंग योर एंड सेम। तो इसमें होता क्या है मेनली कि मोस्टली मतलब सब बच्चे को 90% SPA में ही KT होता है। तो आज मैं आपको एक दो स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जो यूज करके आप लोग SPA क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो SPA क्लियर करने के लिए दो चीज है, मतलब दो पैरामीटर्स हम लोग को देखना पड़ेगा। SPA क्लियर करना है तो आपको एंड सेम में सिर्फ 32 मार्क्स लाने हैं। अगर आपने आपका टर्म टेस्ट क्लियर किया, मतलब आपको इंटरनल KT नहीं है, तो सिर्फ आपको 32 मार्क्स लाना पड़ेगा। और अगर आपने आपका टर्म टेस्ट नहीं क्लियर किया है, आपको इंटरनल KT है, तो आपको 51 लाना पड़ेगा टर्म टेस्ट प्लस एंड सेम ऐड करके। मतलब एक एग्जांपल कंसीडर करो कि आपको टर्म टेस्ट में है 6 मार्क्स, तो 51 माइनस 6 45, तो मतलब आपको 45 मार्क्स लाने हैं एंड सेम में SPA क्लियर करने के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, मतलब SPA एज अ सब्जेक्ट क्लियर करने के, ठीक है। तो अब SPA में 32 मार्क्स लाए कैसे, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ आपको दो स्टेप्स फॉलो करने हैं 32 मार्क्स लाने के लिए। कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्मार्टर स्टडीज करनी है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम भी कम है। तो आप पूरा सिलेबस करने जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको KT लग जाए ऐसा कुछ। तो इसमें मैं आपको दो इजी स्टेप्स बता देता हूँ। तो हाउ टू गेट 32 इन SPA। तो मेन स्टेप नंबर वन की जो ब्रेन ईटर्स के क्वेश्चन पेपर्स है वो आप रेफर करो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप अपना सिर्फ एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर दीजिए और सब क्वेश्चन पेपर जो है वो आप देख पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ SPA के क्वेश्चन पेपर। तो जब आप अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको SPA के क्वेश्चन पेपर दिख जाएंगे। तो पहले आप क्वेश्चन पेपर पे आओगे तो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, ठीक है। तो ब्रेनिटस के क्वेश्चन पेपर में चार एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला पोर्शन ये है कि सब क्वेश्चन पेपर्स है। सेकंड सेक्शन ये है कि हर क्वेश्चन पेपर में कौन से मॉड्यूल से कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। थर्ड पोर्शन है कि कौन से मॉड्यूल से कितने क्वेश्चंस आए हैं। और फोर्थ जो है वो कलरिंग है, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन ब्लू मार्क किया रहेगा तो वो सिर्फ एक बार रिपीट हुआ है, ग्रीन मार्क किया तो दो बार, ऑरेंज 3, पिंक 4 और रेड 5, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पेपर्स देख लेते हैं पहले एक बार। तो अभी सपोज आप कोई भी क्वेश्चन पेपर रेफर करोगे तो इसमें ये सब क्वेश्चंस एक ही बार रिपीट हुए, ठीक है। तो हम लोग अब एकदम रीसेंट पेपर देखते हैं, दिसंबर 2017 का। तो ये रहा दिसंबर 2017 का पेपर। तो इसके अंदर देखो, जो ग्रीन है वो सिर्फ दो बार, जो ब्लू है वो एक बार, जो रेड है वो 5 टाइम। तो आपको इधर से आइडिया आएगा कि कौन से क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वही सेम पेपर का आप मॉड्यूल वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। तो इधर देखोगे कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन सा था 2017 के पेपर में, कि मॉड्यूल नंबर 5, उसमें से 28% आए, इसमें 23% आए मॉड्यूल 3। तो ये एक आइडिया मिलेगा आपको। फिर नेक्स्ट पाई चार्ट, मतलब कि कौन से चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए। तो मॉड्यूल 5 से 5 क्वेश्चंस आए हैं, मॉड्यूल 6 से 2 क्वेश्चन आए। तो ये सब एनालिसिस इधर मिल जाएगा। तो ये तो सिर्फ हो गए क्वेश्चन पेपर रेफर करने के बाद। अब एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको करना है वो है कि एक बार ये एनालिसिस रिपोर्ट देख लेनी है। तो इसमें आपका मॉड्यूल कैसे वेरी हो रहा है हर साल। तो देखो इधर, दिसंबर 15 में 0 मार्क्स के लिए आया था मॉड्यूल 1, और वैसे वैसे उसका वेटेज बढ़ते गया हर ईयर में, ठीक है। तो हम लोग ने ये सब कंसिडरेशन में लेके आपके लिए एक रिपोर्ट बनाई है, प्रेडिक्शन, ठीक है। तो आपको मेन चीज यही देखनी है क्वेश्चन पेपर में, कभी भी आपको सिर्फ क्लियर करना रहेगा तो, ठीक है। तो इसमें देखो कि हम लोग ने आपके लिए प्रेडिक्शन निकाला है दिसंबर ये साल के क्वेश्चन पेपर्स के लिए। तो अगर आप लोग अपना प्रिपरेशन करोगे तो आपको मॉड्यूल नंबर 5 फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, मॉड्यूल नंबर 3 सेकंड प्रायोरिटी रहेगा, मॉड्यूल नंबर 4 थर्ड प्रायोरिटी रहेगा। तो ये सब मैंने इधर प्रायोरिटीज भी आपके लिए असाइन करके रख दी है सबने। तो अगर आपको सिर्फ क्लियर करना है तो आपको मॉड्यूल नंबर 5 अच्छे से करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको सिर्फ पास होना है तो ये जो इधर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस 99% चांस है कि आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा ये टाइम। तो वो क्वेश्चंस कौन सा है, रिकर्जन, लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शन, स्टोरेज क्लास, स्ट्रक्चर, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, और ड्रॉ अ प्रोग्राम ऑन पैटर्न्स।
ये सब क्वेश्चन 99% आएंगे, तो आप इतने क्वेश्चंस करोगे ना तो आप इजीली पास हो सकते हो कोई भी एंड सेम का एग्जाम। ऐसे ही हम लोग ने दूसरे सब सब्जेक्ट्स के लिए भी किया। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि अगले वीडियोस जो भी रहेंगे वो सब ये कंसेप्ट को कवर करेगा आपके लिए, तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी ये सब कंसेप्ट से, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो सब। तो ये था आपके स्टेप्स, स्टेप नंबर 1 हाउ टू क्लियर एसपीए कर, ठीक है। तो हम लोग ने सब स्टेप्स फॉलो कर लिए थे, जो क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस थे वो पढ़ लिए, सब क्वेश्चन पेपर देख लिए, एनालिसिस रिपोर्ट देख लिया और प्रायोरिटीज भी देख लिया। अब स्टेप क्या है, स्टेप 2, गो टू बीएच प्लान। अब ये बीएच प्लान हमारे सिर्फ स्मार्ट यूजर्स के लिए है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बीएच प्लान आपको कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा बीएच प्लान, ठीक है। तो बीएच प्लान में क्या होता है, हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को एकदम स्मार्टली कैसे भी कोई भी सब्जेक्ट क्लियर करने का एक फंडामेंटल पैटर्न बता देते हैं, तो वो पैटर्न यूज करके आप सब अपनी केटीज क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप स्मार्ट यूजर हो तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना है, जो हमने ब्लूप्रिंट्स दिए वो देखना है, क्वेश्चन बैंक देखनी है, उसमें से क्वेश्चंस लेना है और नोट्स लेके प्रिपरेशन चालू कर देना है। अब अभी हम लोग ने है ना इधर एक स्मार्ट यूजर के लिए एक स्पेशल फीचर निकाला है कि आपको सिर्फ 32 मार्क्स लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको एसपीए डिफिकल्ट पड़ रहा है और आपको सिर्फ क्लियर करना है, सो यू नीड टू फॉलो ऑल दिस स्टेप्स। तो क्या है इसमें कि सब जो भी मोस्ट और रिपीटेड प्रोग्राम्स है जो हमारे क्वेश्चन पेपर में है वो फॉलो कर लो, थोड़े थियरी क्वेश्चंस है वो, और ये जो लिस्ट दी हम लोग ने इधर क्वेश्चंस की, ये हमारी लिस्ट है। तो ये सिर्फ 17 क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व करोगे ना तो आप आराम से एंडसेम क्लियर कर सकते हो। तो ये जो स्मार्ट यूजर के लिए जो 32 मार्क्स वाला है वो एक चीज हो गई, ठीक है। तो अब सिर्फ ये दो स्टेप्स फॉलो करके आप अपना एंडसेम आराम से क्लियर कर सकते हो एसपीए सब्जेक्ट के लिए। अब हम लोग दूसरा केस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था, जो 99% प्रोबेबिलिटी है आने के, उसके वीडियोस का मैं एक सीरीज निकालूंगा, तो आपको यूजफुल रहेगा सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए। और मैंने एक फॉर्म भी डाला है नीचे, तो वो फॉर्म भी फिल कर दो, तो हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करके आपको पर्सनली गाइड कर देगी कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में डिफिकल्टी हो रही है तो आप वो सब्जेक्ट का गाइडेंस ले सकते हो हमारे टीम मेंबर से, ठीक है। अब बात है जो स्टूडेंट्स जिनको इंटरनल केटी है एसपीए में, तो अब उन्हें क्या है कि उन्हें 45 मार्क्स, मतलब कि अराउंड 51 जो मैंने एग्जांपल लिया था, उनको अप्रोक्सीमेटली 45 मार्क्स लाना पड़ेगा एसपीए। तो आपको जो दो स्टेप्स थे पहले, जो क्वेश्चन पेपर रेफर करना था वो तो सेम ही रहेगा दिए केस में भी, पर सिर्फ आपको जो बीएच प्लान है हमारा उसमें थोड़ी चेंजेस होगी, जो हमने आपको अभी स्मार्ट प्लान बताया था उसमें, ये दिखाता हूँ मैं एक से। तो जो स्मार्ट यूजर्स के लिए, जो जिनको इंटरनल केटी है उनके लिए हम लोग ने स्मार्ट प्लान में ये चीज इंक्लूड किया कि आपको एल्गोरिदम्स और ये सब चीज बेसिक पता होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी 1 ये चैप्टर होगा, प्रायोरिटी 2 ये चैप्टर होगी, प्रायोरिटी 3 पैटर्न प्रोग्राम्स हो गए, और आपके लिए एकदम डिटेल में प्रायोरिटीज मैंने असाइन करके रख दिया। और ये जो है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, आपको ये 33 क्वेश्चंस ही करना है, मतलब सिर्फ ये आप 33 क्वेश्चंस करोगे ना तो आपका एंड सेम आराम से क्लियर हो जाएगा, पूरा एसपीए सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। और आपका जो मेन बर्डन रहता है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसमें सब स्टूडेंट्स को केटी लगती है, वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस रह गए वो सब ये टॉपिक्स कवर करेंगे जो भी इधर दिए हुए हैं। तो इसमें से 2-3 टॉपिक जो हमारे पहले हो चुके हैं उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और बाकी के वीडियोस हम लोग नेक्स्ट अपलोड करेंगे, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करके रख दो, तो आपको अपडेट्स रेगुलरली मिल जाएंगे और आप एसपीए सब्जेक्ट्स आसानी से क्लियर कर सकते हो। और मैंने हमारे जो स्मार्ट प्लान का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाला है, फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप डिस्क्रिप्शन प्लीज चेक कर देना। थैंक यू।